तो दोस्तों आपने ये देखा कि फ्यूल पंप जो है वो खराब होने का कारण बहुत सारे रीजंस रहते हैं और उसको टेस्टिंग करने का एक तरीका रहता है। आप रैंडम इसमें अगर आप रिपेयरिंग करेंगे तो आपका नुकसान होगा, आपका टाइम चला जाएगा। मेरा आपने देखा कि मैंने बहुत ही कम समय में इसका डायग्नोस्टिक कर लिया है। हो सकता है, फिर भी मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि जरूरी नहीं है कि डायग्नोस्टिक आपका 100% क्लियर रहेगा या परफेक्ट रहेगा। हो सकता है कि मैं वापस गलत हूँ, इसमें अगर पानी रहेगा या फ्यूल खराब रहेगा तो भी ये दिक्कतें आ सकती है। तो चलिए दोस्तों आगे हम देखते हैं कि इसमें पानी है या नहीं है, एथेनॉल सेपरेशन हुआ है या नहीं हुआ है, ये आज हम उसको खोल के देखने वाले हैं। टैंक खोलने का तरीका तो आपको पता है, पुरानी बाइक्स में आगे यानी कि बाहर से इसको नटबोल्ट्स थे 14 mm का, आगे से यहाँ पे है और नीचे से है, ये आपको खोलना है। FIP का जो पाइप है जो इंजेक्टर को जाता है वो डिस्कनेक्ट करना है, इसका कनेक्टर डिस्कनेक्ट करना है। कनेक्टर डिस्कनेक्ट करने के बाद वहाँ कनेक्टर डिस्कनेक्ट करने के बाद आपको लो फ्यूल सेंसर जो है उसका कनेक्टर भी डिस्कनेक्ट करना है। तो दोस्तों इसमें फुल फ्यूल है एक्चुअली, फ्यूल टैंक में, तो हमें इसको शिफ्ट करना होगा जेरिकैन में। तो पहले हम इसका शिफ्टिंग कर लेते हैं। शिफ्टिंग करते समय याद रखना स्पिल आउट ना हो, नहीं तो तो दोस्तों आज जो मैंने फ्यूल पंप के बारे में बताया था कि इसका प्रेशर चेक कैसे करना है, तो आपने मीटर तो देख लिया लेकिन हमने डायग्नोस्टिक भी कर लिया कि इसमें कहीं ना कहीं एरर है, क्योंकि थोड़ा सा प्रेशर लॉस हो रहा है। अब इसमें क्या है ये तो देखना जरूरी है, ये तो फिजिकल चेक ही कर सकते हैं कि इसमें पानी है या नहीं है। ये हमको पूरा फ्यूल या फ्यूल पंप में से कचरा जो है अगर रहेगा फ्यूल पंप को खोल के ही समझेगा, और दूसरी बात तो पेट्रोल उसमें से पूरा ड्राई करने के बाद ही हमें समझेगा। तो पहले हम लोग इस फ्यूल पंप को हटा देते हैं। ध्यान में रखना फ्यूल टैंक को स्क्रैच नहीं आना चाहिए क्योंकि कलर है और हमारे हाथ से कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। तो उसको अच्छे से सॉफ्ट कपड़े पे या बबल पे आप रख सकते हैं ताकि आपको काम करने में आसानी रहे। अगर फ्यूल पंप गया है तो हम इसको रिप्लेस करेंगे, नहीं गया है तो हम इसको वही रखेंगे। लेकिन मेरे हिसाब से इसका लो प्रेशर है, इसका मतलब प्रॉब्लम है। फ्यूल पंप निकालने के लिए एलन बोल्ट से इसको 5 mm की एलन की लगेगी। आपके पास न्यूमेटिक रहेगा तो अच्छा है, नहीं रहेगा तो एलन की से आप निकाल सकते हैं। ध्यान में रखना फ्यूल टैंक के साथ आप काम कर रहे हैं, इसके लिए आपके अगल बगल में कोई भी ऐसी चीज ज्वलनशील चीज नहीं रहनी चाहिए जिसकी वजह से खतरा पैदा हो। इसको बहुत संभाल के निकालना है। लास्ट बोल्ट था, टोटल इसको 5 एलन बोल्ट्स है। इसमें एक बड़ा सा ओरिंग आता है जो लीकेज को तो ये है इसका फ्यूल पंप। आप देख सकते हैं कि अंदर से काफी सारा कलर जो है या रस्ट है ये बहुत जमा हो गया है। जैसे कि मैंने कहा कहीं ना कहीं इसका प्रॉब्लम तो जरूर है। इसमें बहुत सारी डेब्रीज है, फॉरेन मटेरियल है,
इसकी ओरिंग तो आपको मिलेगी नहीं, तो आपको यही यूज करनी है। सो इसके वो बहुत ध्यान से यूज करना है और इसका हैंडलिंग आप आराम से कर लेना। इसका फ्यूल पंप हम बाद में खोलेंगे, पहले जो इसमें जो फ्यूल है, पुराना जो फ्यूल है ये टैंक में, इसको हम पहले एम्प्टी करेंगे और चेक करेंगे कि इसमें वाटर का एक्यूमुलेशन है या नहीं है। अब मैंने एक पैन लिया है जो जिसमें मैं फ्यूल इसका सब ड्रेन कर लूंगा। पहले तो मैंने मेजर फ्यूल जो है वो ड्रेन करके जेरिकैन में रख दिया है। अब इसका जो बचा कुचा फ्यूल है ये हम इसको निकालेंगे। और ध्यान रखना, हर चीज को इम्पोर्टेंस देना है। तो दोस्तों, हमने इसका फ्यूल पंप तो जरूर निकाल दिया है, लेकिन अभी इसका जो बचा कुचा फ्यूल है ये इसको निकालना है। ध्यान रखना, कहीं पे भी ज्वलनशील या मैच बॉक्स या तीली या अगरबत्ती कुछ भी नहीं रहना चाहिए। सेफ्टी फर्स्ट, नीचे बबल पेपर रखना ताकि कलर इसका खराब ना हो जाए। और इसका बचा कुचा हम फ्यूल निकालेंगे और देखेंगे कि इसमें पानी है या नहीं है। मैंने मेजर फ्यूल जो है वो निकाल के जेरीकैन में रख दिया है। अगर इसमें पानी मिला तो मैं वो भी फ्यूल फेंक दूंगा, उसको मैं यूज नहीं कर सकता हूं। ध्यान में रखना दोस्तों, फ्यूल अगर फेंक दिया तो आपका नुकसान उसमें थोड़ा सा होगा, लेकिन आगे जाके अगर ये जो चीज है, पानी जो है, अगर ये बहुत मुसीबत पैदा करती है तो उसका कोई मतलब नहीं बनता है वो फ्यूल का। सो उसको फेंक देना अगर इसमें पानी मिल गया तो। तो चलिए दोस्तों, पहले एम्प्टी कर लेते हैं हम पूरा पूरा फ्यूल टैंक। एक पैन मैंने लिया है। ये जो फ्यूल है इसमें पानी तो नहीं है, लेकिन मुझे ये जो चीज दिख रही है इसमें इसमें काफी सारा रस्ट है और कलर पिल ऑफ हो गया है। इसका मतलब फ्यूल पंप को खराब करने वाला जो चीज है वो ज्यादातर करके इसके डेब्रीज है। आप देख सकते हैं इसमें बहुत सारा रस्ट है, यानी कि ये जो फ्यूल टैंक है ये पूरा रस्ट से भरा हुआ है, जिसकी वजह से फ्यूल पंप जो है वो खराब हो चुका है। क्योंकि अगर पानी इसके साथ रहेगा फ्यूल में तो ये काफी सेपरेट रहता है, जबकि ये सेपरेट नहीं दिख रहा है। मैं फ्यूल टैंक को साइड में रखता हूं। ध्यान में रखना, बबल पेपर रहना जरूरी है। मैं आपको पास से फ्यूल दिखा देता हूं ताकि आपको समझे। आप देख सकते हैं इसमें बहुत सारी डेब्रीज है। इसका मतलब ये फ्यूल जो है ये एडल्ट, मतलब इसमें एडल्ट्रेशन तो हुआ नहीं है, यानी कि पानी का जो परसेंटेज है वो इसमें नहीं है, लेकिन जो डेब्रीज दिख रहे हैं वो उसने फ्यूल पंप को खराब कर दिया है। तो हम इसको अभी फ्यूल पंप को भी खोलेंगे और चेक करेंगे कि इसमें एग्जैक्टली कहाँ 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 पे कचरा आए। अभी इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसका जो फ्यूल पंप के थ्रू, मतलब ये फ्यूल पंप क्यों खराब होता है, क्योंकि इसके आर्मेचर के थ्रू ही इसका फ्यूलिंग का थोड़ा सिस्टम है अंदर से। अगर आप कंस्ट्रक्शन खोल के देखेंगे तो इसके लिए इसका आर्मेचर वापस रिपेयर नहीं होता है। दूसरी बात, इसके जो ब्रश जो लगाने का स्टाइल है या इसका फिटमेंट जो है वो बहुत अलग है। कंपनी सिंगल टाइम फिटिंग करती है, यानी कि सील्ड कर देती है, इसको खोल नहीं सकते आप। तो इसके लिए इसको कोई भी चीज में आपको रिपेयर नहीं कर सकते, आपको रिप्लेसमेंट ही करना पड़ेगा। अब देखिए दोस्तों, फ्यूल पंप ओरिजिनल जो है आप डलवा सकते हैं, या अभी मार्केट में आपको नॉन ब्रांडेड मटेरियल भी आ चुका है, वो जेन्युइन नहीं है दोस्तों।
ध्यान में रखना, अगर मैं डाल भी रहा हूं तो वो अपने रिस्क पे आपको डालना है, नहीं तो आप कहेंगे कि आपने जेन्युइन पार्ट नहीं डाला है। देखिए दोस्तों, आखिरकार कॉस्ट का एक प्रॉब्लम रहता है जहां पे कभी कभार हमको निगोशिएट करना पड़ता है। तो अगर आपको लगता है कि आप ओरिजिनल फ्यूल पंप डलवा सकते हैं तो आप ज़रूर डलवाना ओरिजिनल फ्यूल पंप। अगर आप नहीं डलवा सकते हैं तो आपको आफ्टर मार्केट में इसका सिर्फ मोटर भी मिल जाएगा। मैं आपको मोटर दिखा देता हूँ, ये है उसका आफ्टर मार्केट मोटर, ये कंपनी पार्ट नहीं है। तो इसका कोई भी हम गारंटी और वारंटी दे नहीं सकते। तो जब तक ये चलेगा तब तब आपका लक है, अगर ये उड़ गया तो आपको वापस नया डलवाना पड़ेगा। इसका जो कॉस्ट है वो बहुत वेरिएबल है, क्योंकि कई सारे अलग अलग कंपनीज है जो ये मोटर बनाते हैं। तो चलिए दोस्तों, पहले हम ये देखते हैं, ये जो फ्यूल पंप है इसका पुराना, तो हम इसको खोलेंगे।